एनसीपी में शरद पवार को एक ऐसा पुरोधा माना जाता है जिसका मुकाबला महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन खुद शरद पवार ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस एनसीपी में उनके इशारे पर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, उसी एनसीपी में दो फाड़ की नौबत आ जाएगी। लेकिन अब अजीत पवार डिप्टी सीएम बनकर बीजेपी सरकार में शामिल हो चुके हैं और एनसीपी दो धड़ों में बढ़ चुकी है और शरद पवार खाली हाथ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एनसीपी के भीतर ये नौबत आई क्यों और इसकी असल वजह क्या है। तो आपको बता दें कि ये जो कुछ भी हुआ है इसकी भनक शरद पवार को लग गई थी, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते तब तक अजीत पवार ने अपना दांव चल दिया था। दरअसल 30 जून 2023 को एनसीपी में दो फाड़ की पूरी कहानी लिख दी गई थी और अजीत पवार का बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ लेने का कार्यक्रम 3 जुलाई 2023 का था और 30 जून को अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया था। उन्होंने स्पीकर को विधायकों का एक पत्र सौंपा था जिसमें विधायक दल के नेता जयंत पाटिल को हटाकर खुद विधायक दल का नेता नियुक्त होने की बात का जिक्र था और इस पत्र में अधिकतर एनसीपी विधायकों के हस्ताक्षर थे। और इसके बाद अजीत पवार ने राज्यपाल को पत्र लिखकर शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन करने की बात कही। इसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह 3 जुलाई को होना था वो 2 जुलाई यानी रविवार को ही हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शरद पवार को इस बातचीत की भनक लग गई थी, इसलिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम एक दिन पहले ही करा दिया गया। और बड़ी बात यह है कि एनसीपी के भीतर इस फूट के पीछे एक अलग ही स्टोरी है। वो ये है कि पिछले कई दिनों से अजीत पवार खुद को पार्टी में हाशिए पर महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शरद पवार उन्हें अपना सियासी वारिस चुनेंगे और पार्टी की कमान उन्हें सौंपेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको याद होगा कि जब शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि अजीत पवार अगले अध्यक्ष होंगे, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कार्यकर्ताओं और एनसीपी के नेताओं के दबाव में शरद पवार ने अपना फैसला वापस ले लिया था। लेकिन उस वक्त अजीत पवार के हाव भाव यही चाह रहे थे कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ना लें ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए, और उन्होंने मीडिया के सामने ऐसा कहा भी था। इसके बाद शरद पवार ने एनसीपी के दो कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया और ये ऐलान एनसीपी के स्थापना दिवस पर किया गया था। पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद अजीत पवार पूरी तरह से पार्टी में ठिकाने लगा दिए गए थे। इसके अलावा अजीत पवार को प्रदेश संगठन में भी कोई पद नहीं मिला था और ना ही अजीत पवार को शरद पवार की तरफ से कोई आश्वासन मिला था, और इसी वजह से अजीत पवार काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था, क्योंकि पार्टी संगठन पर भी उनकी कोई पकड़ नहीं थी। वो नाम मात्र के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे। इसके अलावा अजीत पवार के पास कुछ नहीं था और यही वजह है कि एनसीपी में खुद को स्थापित करने के लिए उन्होंने विधायकों को तोड़ लिया।